हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे फॉर लूप के बारे में। तो आइए देखते हैं पहले फॉर लूप क्या है, इसकी बेसिक वर्किंग क्या है और इसका क्या सिंटैक्स रहता है, देन इसका कुछ एग्जांपल प्रोग्राम देखेंगे हम लोग। सो व्हाट इज फॉर? फॉर कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट लूप। फॉर कीवर्ड का हम लोग यूज करते हैं लूप क्रिएट करने के लिए। सेकेंड थिंग, फोर इज अ टॉप चेकर लूप। इट मीन्स इट चेक्स द कंडीशन ऑन द टॉप ऑफ द बॉडी। ओके, ये क्या करता है, लूप की जो बॉडी है उसके टॉप पे कंडीशन को चेक करता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंट्री कंट्रोल्ड लूप बिकॉज इट चेक्स द कंडीशन before entering in the loop body। लूप की बॉडी में आने से पहले ये कंडीशन को चेक करता है, इसीलिए इसे एंट्री कंट्रोल्ड लूप भी कहा जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द इनिशियलाइजेशन द कंडीशन एंडिंग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट इज रिटन इन ए सिंगल लाइन सेपरेटेड बाय सेमी कॉलन। इन द पैरेंथेसिस एंड द पैरेंथेसिस is preceded by for keyword। so guys, जो हमारा for loop है इसका जो syntax है उसके अंदर initialization, condition और increment decrement part जो है वो एक ही line में लिखा जाता है usually, और इन अलग अलग parts को हम separate करते हैं semicolon से, और इन्हें लिखते हैं हम parenthesis के अंदर। और पैरेंथेसिस जो उससे पहले हमारा कीवर्ड यूज किया हुआ होता है फोर कीवर्ड। द बॉडी इज रिटन आफ्टर द पैरेंथेसिस इफ बॉडी हैव मल्टीपल स्टेटमेंट्स देन दे आर रिटन इन ए ब्लॉक। The block is created using the pair of opening and closing curly brackets। If the body have a single statement, then we can omit the opening and closing curly brackets। so guys, body जो हम बनाएंगे, body का मतलब जहां पे अपन statement रख रहे हैं जो repeat करवाने हैं, तो body जब हम बनाएंगे वो generally एक curly bracket के block में लिखी जाती है। अगर body में एक single statement हो तो हम curly bracket के pair को avoid भी कर सकते हैं, ignore भी कर सकते हैं, ना भी लगाएं तब भी चलेगा। so इसका जो syntax है that is for initial इनिशियलाइजेशन कंडीशन एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट। इन तीनों को हमने सेपरेट किससे किया है, सेमीकॉलन से, एंड एक ही लाइन में है, पैरेंथेसिस में बंद है, और इसकी बिगनिंग में हमने क्या लगाया, फोर। यानी ये पैरेंथेसिस जो उससे पहले हमने क्या लगा रखा है, फोर। ये हमारी कहलाएगी बॉडी ऑफ लूप, मतलब इसमें जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो हमारे रिपीट होंगे जब तक हमारी दी गई कंडीशन लूप की ट्रू रहती है।
तो ये हमारे पास में सिंटैक्स है फॉर लूप का, राइट। अब आइए देखिए सिंटैक्स की जो वर्किंग है उसे हम समझते हैं। ये हमारे पास फॉर लूप का सिंटैक्स है। इसको समझने के लिए हम एक फ्लो चार्ट का यूज करेंगे। फ्लो चार्ट बेसिकली हमारे प्रोग्राम में स्टेटमेंट के फ्लो को शो करने के लिए हम यूज करते हैं। सो गाइस, दिस इज द फ्लो चार्ट। ये हमारा फ्लो चार्ट है जिसे हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर लूप की वर्किंग को समझने के लिए। सो गाइस, देखिए कुछ इस तरह से हमारा काम होगा। सबसे पहले जो है वो इनिशियलाइजेशन परफॉर्म होगा। इस डायग्राम के थ्रू समझिए इनिशियलाइजेशन, देन एरो की डायरेक्शन देखिए। इनिशियलाइजेशन के बाद कहां जा रहा है ये कंडीशन पे। नाउ इनिशियलाइजेशन के बाद यहां से कंट्रोल कहां जाएगा हमारा इस कंडीशन पे। एंड ये कंडीशन या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, ठीक है। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है ओके, तो ट्रू होने के बाद कहां आ रहा है बॉडी के अंदर। बॉडी कहां पे हमारे पास इस कोड के अंदर, ये बॉडी के स्टेटमेंट है ये सारे रन होंगे। उसके बाद कंट्रोल कहां पे जा रहा है देखिए, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पे। तो ये स्टेटमेंट रन होने के बाद यहां से जो कंट्रोल है वो ट्रांसफर होकर के कहां आ जाएगा इस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाली जगह पे, मतलब यहां पे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो रन होगा। उसके बाद देखिए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बाद क्या हो रहा है, वापस से कंडीशन टेस्ट हो रही है ओके। तो ये कंट्रोल यहां से मूव होकर के वापस कहां आ जाएगा इस कंडीशन पे, एंड कंडीशन से वापस अगर ये ट्रू है तो अंदर आएगा, एंड अगर ये ट्रू नहीं है कंडीशन तो फॉल्स होने पर देखिए कंट्रोल कहां पे जा रहा है हमारा, यहाँ पे फॉल्स होने पर लूप के टर्मिनेशन पे। लूप का टर्मिनेशन मतलब कंडीशन अगर ये फॉल्स होती है तो डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो इसके बाहर आ जाएगा, इस लोकेशन पे आ जाएगा, इस जगह पे जहां कर्सर कर्सर है उस जगह पे। अब यहाँ पे अगर कोई स्टेटमेंट लिखा है लूप के बाहर तो रन होगा, और नहीं लिखा है तो रन नहीं होगा। आइए देखिए इसकी वर्किंग को एक कोडिंग के थ्रू हम समझते हैं। क्वेश्चन जो हमें प्रोग्राम जो बनाना है दैट इज फॉर राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट काउंटिंग फ्रॉम 1 to 5, एक से पांच तक की गिनती प्रिंट कराने के लिए सिंपल एक लूपिंग का हमें प्रोग्राम बनाना है। तो पहले stdio.h को इंक्लूड करा लेते हैं क्योंकि प्रिंट एफ वगैरह हम यूज करेंगे, एंड मेन का हमने स्ट्रक्चर बना लिया। देखिए हमेशा इसी तरीके को फॉलो करो स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो कर्ली ब्रैकेट्स वगैरह के मिस्टेक होने के चांसेस आपके ना के बराबर हो जाते हैं। तो ये मेन का प्रॉपर स्ट्रक्चर आ गया। नाउ मुझे क्या करना है, 1 से 10 तक गिनती प्रिंट कराना, सॉरी 1 से 5 तक गिनती प्रिंट कराने के लिए लूप चलाना है। सो पहले हमने एक प्रिंट एफ मैसेज दे दिया, द काउंटिंग इज फुल। नाउ हमने लूप चलाया I equal to 1 से I less than equal to 5 and I plus plus, and for loop में हमने print करा दिया printf % d, space छोड़ा हमने और I की value, save करें इसे। Now इसे हम run करते हैं। जैसे ही हम इसे run कराएंगे हमारा आउटपुट आ जाएगा द काउंटिंग इज 1 2 3 4 5, आ गया रिजल्ट। ये कोड काम कैसे किया, ये एग्जीक्यूशन हुआ किस तरह से, क्या सीक्वेंस फ्लो रहा वो हम एक बार देखते हैं। देखिए सबसे पहले प्रोग्राम में आया, लाइन नंबर 6 तक तो सीक्वेंशियल फ्लो है, इस जगह कुछ इफ एल्स या लूप वगैरह नहीं है। तो सिंपली एक वेरिएबल क्रिएट हुआ, मैसेज प्रिंट हो गया द काउंटिंग इज, काउंटिंग हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक थी करेक्ट कर देता हूं, द काउंटिंग इज। Then, यहां पे हमने क्या करा है लूप चलाया है। अभी जो हमने डायग्राम देखा था लूप का ये रहा, तो इस डायग्राम के अगर हम देखें तो इनिशियलाइजेशन की जगह इस प्रोग्राम में क्या लिखा है हमने, आई इक्वल टू 1, राइट। तो ये इनिशियलाइजेशन वाला स्टेटमेंट हमारा रन होगा, आई का मान कितना सेट हो गया हमारे पास 1, कंडीशन चेक हुई इज आई लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि इनिशियलाइजेशन के पास कहां आ रहा है कंडीशन पे आ रहा है यहां पे, तो ये कंडीशन ट्रू है, ट्रू होने पर लूप की बॉडी में जाएगा,
अब देखिए लूप की बॉडी के अंदर हमने क्या लिखा है यहाँ पे, प्रिंट एफ परसेंट डी कॉमा आई, इसका मतलब आई का मान हम प्रिंट करा रहे हैं, तो आई की वैल्यू कितनी प्रिंट हो गई, वन। अब इस लूप की बॉडी में एक ही स्टेटमेंट है, तो जब बॉडी एग्जीक्यूट हो चुकी है कंट्रोल का आ रहा है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे, राइट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाली जगह ये रही हमारे पास, यहां पे हमने क्या लिखा आई प्लस प्लस, तो आई का मान, आई प्लस प्लस का मतलब क्या होता है आई के मान को एक से बढ़ाना, तो आई का मान बढ़कर के कितना हो जाएगा यहां पे, दो। अब यहां पे कंडीशन चेक हुई आई लेस देन इक्वल टू फाइव, क्योंकि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होने के बाद डायग्राम देखिए कंट्रोल कहां पे जा रहा है, इस कंडीशन पे, राइट। ये कंडीशन ट्रू है, फिर से लूप के अंदर आया, आई का मान कितना हो चुका है बढ़कर के दो, तो इस बार दो प्रिंट होगा, मतलब बॉडी हमारी एग्जीक्यूट हो गई, देन फिर से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे, तो यहां पे कोड में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे आया, तो आई का मान दो से बढ़ के कितना हो गया तीन। अब कंडीशन चेक हुआ आई लेस देन इक्वल टू फाइव ट्रू है, तो कहां पे जाएगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद, कंडीशन चेक होने पे कंडीशन ट्रू है तो वापस एग्जीक्यूट करेगा बॉडी को, तो आई का मान फिर से प्रिंट हुआ तीन, देन आई प्लस प्लस, क्योंकि बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल वापस कहां जा रहा है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे, अब वापस ऊपर गया तो आई प्लस प्लस, आई का मान कितना हो गया चार, चार के बाद में वापस से यहाँ पे डायग्राम में देखिए कंडीशन चेक हो रही है, कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट करेगा बॉडी को, यहाँ पे देखिए आई का मान चार है, चार लेस देन इक्वल टू पांच कंडीशन ट्रू है, तो अंदर आएगा लूप के आई का मान प्रिंट कर देगा चार, फिर ऊपर जाएगा आई प्लस प्लस, आई का मान बढ़ के कितना हो जाएगा हमारा पांच, पांच पे कंडीशन चेक हुई ट्रू है तो पांच प्रिंट हो जाएगा, फिर आई प्लस प्लस, आई का मान बढ़ के कितना हो जाएगा छह, छह पे कंडीशन चेक हुई फॉल्स है। अब यहाँ पे देखिए अगर डायग्राम में कंडीशन फॉल्स हो रही है तो कहां जा रहा है, लूप टर्मिनेट हो रहा है, मतलब लूप के बाहर चला जाएगा, तो लूप के बाहर मैंने एक मैसेज प्रिंट करा दिया आउटसाइड लूप, ठीक है, और एक और मैसेज मैं प्रिंट करा रहा हूं आई इज परसेंट डी कॉमा आई। अब देखिए लूप जब खत्म हुआ तो आई का मान कितना हो चुका था यहां पे छह, छह पे लूप अपना चलना बंद हुआ है, ठीक है, तो जब लूप से बाहर आकर के आई का मान प्रिंट कराएगा पहले मैसेज आएगा आउटसाइड लूप देन आई इज परसेंट डी आई, तो आई का मान लूप जब खत्म हुआ कितना हो चुका है छह, छह हो चुका है, पांच नहीं है छह हो चुका है, छह पे खत्म हुआ है, तो लूप के बाद जो आई का मान आएगा वो कितना आएगा हमारा छह आएगा, ठीक है, तो लूप के बाहर आउटपुट में हमें क्या दिखाएगा आई का मान छह दिखाएगा, देखते हैं एक बार, सो दिस इज द आउटपुट, अब गौर से देखिए द काउंटिंग इज 1 2 3 4 5, यही बताया था मैंने लूप से प्रिंट हुआ है, फिर लूप खत्म हुआ तो लूप के बाहर आकर के आउटसाइड लूप का मैसेज आया और उसके बाद में आई इज कितना है अपने पास छह है, ठीक है गाइस, तो लूप के बाहर जो वेरिएबल हमने यूज किया है लूप के अंदर उसकी वैल्यू क्या होती है जो कंडीशन फॉल्स होने पर थी लूप के बाहर उसकी वो वैल्यू रहेगी, और जब तक कंडीशन ट्रू है तो अपना लूप चल रहा है, ओके गाइस। एक मैं नोट डाल के यहां पर बताना चाहूंगा स्पेशली आई इज कॉल्ड लूप काउंटर वेरिएबल, आई जो है यहां पे अपना लूप काउंटर वेरिएबल कहलाएगा, एंड लूप काउंटर वेरिएबल का मतलब होता है ऐसा वेरिएबल जिस पे इनिशियलाइजेशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और कंडीशन टेस्ट हो रही है, स्पेशली अगर मैं कहूं ए वेरिएबल ऑन विच द कंडीशन ऑफ लूप इज टेस्टेड इज कॉल्ड एज लूप काउंटर वेरिएबल, ओके गाइस, तो ऐसा वेरिएबल जिस पे लूप की कंडीशन हमारी टेस्ट हो रही है वो क्या कहलाएगा लूप काउंटर वेरिएबल कहलाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू आस्क, आप मेरे से व्हाट्सएप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं या यूट्यूब वीडियो पे भी आप कमेंट करके मेरे से अपने डाउट जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, थैंक यू गाइज़।